नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। इस समय हमारे साथ हैं गरीबों का नेता और एक पहचान के जो कोई मोहताज नहीं है, श्री अशोक शर्मा जी, जो आज गरीबों का एक मसीहा बन के आए हुए हैं। लगातार पिछले 15-20 साल से अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए जो एक काम किए हैं वो एक रोल मॉडल है। अब आइए उनसे जानते हैं कि पिछले बार उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य रही है, उस दरमियान में वो क्या क्या काम किए और इस बार वो खुद एक कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं। तो सबसे पहले अशोक शर्मा जी, आपका जोहार न्यूज़ के इस चैनल पर स्वागत। सबसे पहले नंबर आजाद जी, जोहार न्यूज़ को सादर प्रणाम मेरे ओर से और मेरे क्षेत्रवासियों की ओर से। तो ये बताइए अशोक शर्मा जी, आपकी पत्नी पिछले बार जिला परिषद सदस्य रही, तो उस दरमियान उन्होंने क्या क्या काम किया और लोगों के बीच उसकी अभी आपकी जो पकड़ है कैसा क्या है? देखिए, 5 साल विगत वर्षों से रही, 5 साल के बीच में जिला परिषद पंचायती राज में 2 सरकारें आई। एक सरकार फर्स्ट आए, जिस घर परिवार से हम आते हैं उस सरकार ने जिला परिषद को कुछ देने का काम नहीं किया। तो और 2 साल कोरोना के मार में कई जगह पे काम हुए, कई जगह पे नहीं हुए, कई तरह का समस्या हुआ। इसके कारण से जिला परिषद, मेरे दुमका जिला का सदस्य लोग बहुत सारा काम नहीं कर पाया। लेकिन हमने जहाँ तक, मेरी वाइफ ने चल बन पड़ा, पब्लिक के साथ खड़ा रहा। इस बार आप खुद एक कैंडिडेट के रूप में और गरीबों का नेता आप कहलाते हैं, आखिर आपने वो कौन सा काम कर दिया कि सरैयाहाट पनखंड में नहीं पूरे पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में अमूमन आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, हमारा राजनीतिक आने में 12 साल हुआ है और 12 साल हम कभी थाना के गेट पे रहे, कभी ब्लॉक के गेट पे रहे, कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र के ब्लॉक पे रहे, गेट पे रहे, बाल विकास कन्या गेट के, लोगों का छोटे छोटे काम पे ज़्यादा हम ध्यान दिए। क्यों? मेरा भविष्य और मेरा भाग्य, छोटा काम मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए हमको उम्मीद और विश्वास है, हम जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, रहते हैं, उस ब्लॉक से भी मुझे विश्वास है हम एक नंबर क्षेत्र से फिर मेरी जीत 12,000 वोट से होगा। इसलिए पब्लिक के साथ, रात हो, बरसात हो, दिन हो, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, हम बिल्कुल 24 घंटा। तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 सर, यहाँ लोग आपको क्यों चुने, आखिर आप उनके बीच क्या लेकर जाने वाले हैं, क्या आने वाले 5 साल में आप क्या करना चाह रहे हैं, आखिर आपका क्या संदेश है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मेरी वाइफ की कार्यकाल पूरा हो गया, अभी लोगों के बीच, नौकर के बीच में जाते हैं, एक हम उनसे संवाद करते हैं कि अगर आपका सही काम कर सकते हैं, सही नेतृत्व कर सकते हैं और आपका बात को कितना हम ले सकते हैं तो आप मुझे वोट दें। अब आप पूछ रहे हैं कि क्यों आपको वोट दें, वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, वहाँ लीडर चाहिए। यहाँ का एमपी दिल्ली में रहते हैं, यहाँ का विधायक पोड़ैयाहाट में रहते हैं, आखिर वहाँ लोकल कौन संभालेगा, मेरे सिवाय कोई नहीं है। हम तो कोई ठेकेदारी करते नहीं है, हम ना नरेगा काम करते हैं, ना कुछ करता है। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, लोगों को न्याय देना, लोगों का काम करना और लोगों का जो सही काम हो समय सीमा में होना, ये मेरा पहला काम। आपके जिला परिषद संख्या 1 सरिया क्षेत्र संख्या 1 में काफी प्रतिद्वंदी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो उससे आपका क्या कॉम्पिटिशन है? आप पहले बताएं कौन कैंडिडेट है, हम तो जानते ही नहीं कौन कैंडिडेट वहां पर है, आप बताएं आजाद जी। आपको ऐसा लग रहा कि आपके साथ किसी का कंपटीशन वगैरह है? ना, मेरे साथ ऐसा तो नहीं लग रहा। अगला बार भी यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन रहे अशोक चौधरी, वो भी मेरा कॉम्पिटिटर थे, लेकिन सिमट गए 2200 वोट में, 3300 वोट में। इस बार क्या लग रहा है कि आपको आपके क्षेत्र से कितना वोट मिलेगा? हमको इस बार वोट तो मेरे अधिकार का नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है पब्लिक को। इस बार, अगले बार मेरी वाइफ की 8,000 वोट आया था, मेरा इस बार 12,000 वोट आएगा। क्या अशोक शर्मा किसी विशेष जाति के चाहते हैं कि सरैयाहाट के सभी लोगों के चाहते हैं? हम हर वर्ग, हर समाज के आदमी हैं, मेरी जाति बाहुल नहीं है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमातों की राजनीति करते। अभी एक कार्यक्रम चला, आपका अधिकार आपके द्वार आपकी सरकार, तो उसमें काफी योजनाएं भी चली,
उस दरमियान में आपने कौन कौन से ऐसे काम लिए और किस किस का निपटारा भी किया? देखिए, अभी हम लोग के जो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया है, इसके लिए भी हेमंत जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आज जोहार न्यूज के तहत बोलना चाहते हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट लें और ब्लॉक में कोई भी चीज अगर बोल रहे हैं कि एक पंचायत में बीसी को लेना है तो वो नोटिस हो, और ब्लॉक में खास करके सरियाहट का ब्लॉक ऐसा समस्या है, ऐसा जटिल बीमारी है जो कोई पदाधिकारी अभी तक बैठता ही नहीं है। ये सबसे पहले नंबर यहां की सरकार को देखना चाहिए और वहां का प्रेजेंट विधायक को, अगर कोई कर्मचारी। लेकिन सरियाहट प्रखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां छोटे छोटे लघु उद्योग चलता है या लोग खोले हुए, लेकिन उस लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बुनकर की समस्या है सरियाहट में और बढ़ई की समस्या है और विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं जो आपका लोहार संबंधी जो काम वगैरह करते हैं तो उसकी जो समस्या है अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसको लेकर के आपका क्या पहल? देखिए, दुमका जिला उद्योग केंद्र बहुत ज़्यादा सशक्त है और सरियाहट ब्लॉक को इंडस्ट्रीज एरिया के लिए कई बार बोले हैं, मेरे यहाँ भी पोलेजोर क्लस्टर के लिए सरकार काफ़ी सशक्त है और सरकार का भी आदेश हुआ कि पोलेजोर क्लस्टर चले जहाँ 241 आदमी का रोजगार चलेगा, लेकिन हम यह कहेंगे हमारा सरियाहट जो ब्लॉक है वो बिहार से जुड़ा हुआ संबंधित ब्लॉक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे किसी भी मामले में हो, केंद्रित सरियाहट ब्लॉक होना चाहिए इंडस्ट्रीज में। तो ये हमारे साथ में अशोक शर्मा जी थे और आज जोहार न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।